नमस्ते, मैं सुगंधा। आज मैं बनाऊंगी फ्रूट्स कस्टर्ड, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत टेस्टी भी लगती है। अगर आपके बच्चे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध ली हूँ, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, 1/2 कटोरी चीनी है और ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ पर पिस्ता, काजू, आलमंड्स और किशमिश को ली हूँ। तो किशमिश को आप जरूर लें, बहुत अच्छी लगती है ड्राई फ्रूट्स में। 1 एप्पल ली हूँ जिसे मैं गर्म पानी में धो के काट ली हूँ, 1 आम, 2 केला और 1 अनार है जिसे मैं छील के काट ली हूँ। मैं यहाँ पे वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कस्टर्ड घोल लूँगी, तो ठंडा दूध से मैं इसे घोल ले रही हूँ और इसे मिलाते हुए अच्छी तरह से इसकी गुठली फोड़ लें। ये देखिए मैं इसे घोल ली हूँ। तो अब चलते हैं गैस के पास। तो एक पैन में 1 लीटर दूध डाल दें और इसे बॉयल होने के लिए रख दें। तो ये देखिए मेरा दूध बॉयल हो गया है। अब इसे हम लगातार चलाते हुए हम इस दूध को गाढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं लगातार चलाते हुए इस दूध को गाढ़ा कर ली हूँ। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। तो इसमें जो मैं घोल के रखी थी कस्टर्ड, उसे डाल दें। एक बार मिला लें इसे अच्छी तरह से, वो नीचे जम जाती है। हम अब इसे दूध को भी मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते हुए हम दूध को गाढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं दूध को चलाते जा रही हूँ और कस्टर्ड को भी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। एक साथ सारा हम कस्टर्ड नहीं डालेंगे, कस्टर्ड में बहुत जल्दी गुठली आ जाती है। इसे इसलिए लगातार चलाते हुए और थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें गाढ़ा करना है। मैं यहाँ पर अब सारा कस्टर्ड डाल रही हूँ और इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो इसे देखिए नीचे तले तक चलाते हुए आप इसे पका लें और 2 से 3 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो कस्टर्ड है पक गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो 1/2 कटोरी चीनी डाल दें और इसे फिर हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। ये देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारा कस्टर्ड हल्का ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसे 1 से 2 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे, हमारा कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा। मैं इसे रख दे रही हूँ। हमारा कस्टर्ड देखिए हल्का ठंडा हो गया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो 1/2 करके सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दें, काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश को भी। और यहाँ पे फ्रूट्स भी डाल दे रही हूँ। ये अनार है, सेब और आम, सभी चीज़ों को हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे फिर 1 घंटा के लिए मैं फ्रिज में इसे रख दूँगी। 1 घंटा के बाद इसे सर्व करें। और ये देखिए मेरा पूरा ठंडा हो गया है। इसे मैं 1 कप में सर्व कर रही हूँ। मैं इसे ड्राई फ्रूट्स ऊपर से फिर डाल दी। यहाँ पे आम, केला, सारे फ्रूट्स को मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। आप यहाँ पे अपने पसंद से अंगूर, चीकू वगैरह भी ले सकती हैं, इसमें सारे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे जो पिस्ता, काजू वगैरह उसे भी डाल दूंगी। इसमें किशमिश की स्वाद बहुत अच्छी लगती है, आप इसे एक बार किशमिश डाल के जो ट्राई करें। यहाँ पे सारे फ्रूट्स को मैं दे के सजा दूंगी और ये बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे। ये देखिए हमारा फ्रूट्स कस्टर्ड बनके रेडी है। आप इसे एक बार घर पे ज़रूर बनाएं।